Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I was reading about Republic Day. Today we will read about Gandhi Jayanti and religious festival. See the text. Gandhi Jayanti. Mahatma Gandhi was born on 2nd October. He fought for the freedom of our country. He followed the path of law and non-violence. He is the father of our nation. So we call him Bapu and celebrate his birthday as Gandhi Jayanti. Religious festivals. India is a land of festivals. People of India follow different religions. So they celebrate different religious festivals. But people of all the religions enjoy and participate in all the festivals together. Let's know about some of the important religious festivals. Aziz Talaba, ye ibarat thi, aaiye iska tarjuma aur meaning dekhte hain. Gandhi Jayanti. Gandhi Jayanti kise kehte hain? Boliye. हाँ, गांधी जी का जन्म के तौर पर उसको मनाते हैं, उसको गांधी जयंती बोलते हैं, गांधी जी के जन्म के तौर पर. हाँ, परसों था, ठीक है, 2 अक्टूबर को. देखे गांधी जयंती, गांधी जी के यौम पैदाइश को मनाने का दिन कह सकते हैं. महात्मा गांधी वाज बॉर्न ऑन 2nd अक्टूबर. महात्मा गांधी 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे. महात्मा गांधी वाज बॉर्न ऑन 2nd अक्टूबर. महात्मा गांधी 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे. ही फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ अवर कंट्री. ही फॉट, फाइट का सेकेंड फॉर्म है फॉट, वो लड़े फॉर द फ्रीडम, आजादी के लिए, ऑफ अवर कंट्री, अपने मुल्क के. वो अवर हमारे. He fought, वो लड़े फॉर द फ्रीडम ऑफ अवर कंट्री, हमारे मुल्क की आजादी के लिए. He followed the path of law. ही उन्होंने फॉलो, पैरवी की, द पाथ ऑफ लॉ, मोहब्बत के रास्ते की, एंड नॉन वायलेंस, और अदम तशद्दुद के. तो ही फॉलोड द पाथ ऑफ लॉ एंड नॉन वायलेंस. उन्होंने मोहब्बत और अदम तशद्दुद के रास्ते की पैरवी की, या वो मोहब्बत और अदम तशद्दुद के रास्ते पर चले. ही वॉज द फादर ऑफ अवर नेशन. ही वॉज द फादर ऑफ अवर नेशन. वो हमारे मुल्क के वो राष्ट्रपिता हैं. ही इज द फादर ऑफ अवर नेशन. वो हमारे मुल्क के, वो हमारे नेशन के पिता हैं, वालिद हैं. So we call him Babu. इसलिए हम उन्हें बाबू कहकर पुकारते हैं. And celebrate his birthday as Gandhi Jayanti. और मनाते हैं उनकी यौम पैदाइश को as Gandhi Jayanti, गांधी जयंती के तौर पर. Religious festivals, मजहबी त्योहार. Religious, मजहबी फेस्टिवल्स, त्योहार, मजहबी त्योहार. इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स. हिंदुस्तान इज है अ लैंड, एक सरजमीन ऑफ फेस्टिवल्स, त्योहारों. हिंदुस्तान त्योहारों की सरजमीन है. पीपल ऑफ इंडिया फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स. पीपल ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के लोग फॉलो, पैरवी करते हैं डिफरेंट, मुख्तलिफ रिलीजन्स, मजाहिब की, मुख्तलिफ मजाहिब की पैरवी करते हैं, या मुख्तलिफ मजाहिब को मानते हैं. दे सेलिब्रेट डिफरेंट रिलीजियस फेस्टिवल्स. वे मनाते हैं
डिफरेंट रिलीजियस मुख्तलिफ मजहबी फेस्टिवल्स त्योहारों को दे सेलिब्रेट डिफरेंट रिलीजियस फेस्टिवल्स वे मुख्तलिफ मजहबी त्योहारों को मनाते हैं बट पीपल ऑफ ऑल द रिलीजन्स enjoy and participate in all the festivals together but people like you know of all the religions sabhi mazahib ke enjoy lutf uthate hain and participate aur hissa lete hain all the festivals sabhi tyoharon mein together saath saath but people of all the religions lekin sabhi mazahib ke log enjoy लुत्फंदोज होते हैं एंड पार्टिसिपेट और हिस्सा लेते हैं शिरकत करते हैं इन ऑल द फेस्टिवल्स सभी त्योहारों में साथ साथ टुगेदर साथ साथ लेट्स नो आइए हम जानते हैं अबाउट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रिलीजियस फेस्टिवल्स लेट्स आइए नो हम जाने लेट्स नो आइए हम जाने अबाउट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रिलीजियस फेस्टिवल्स कुछ अहम मजहबी त्योहारों के बारे में रिलीजियस मजहबी आइए हम जानते हैं अहम मजहबी त्योहारों के बारे में ये आपका पैराग्राफ था जिसका तर्जुमा मुकम्मल हुआ अब आइए इसके तहत कुछ मीनिंग्स आ रही हैं इनको लिखा जाए कॉपी निकालिए और सब लोग लिखना शुरू हो जाइए लिखिए 25 FIGHT 25 7 4 FOUGHT for third term report ladna freedom festival te va FES TIGA
फेस्टिवल त्योहार लैंड एल एन लैंड जमीन टू फॉलो एफ ओ डबल ए ओ डब्ल्यू फॉलो ई डी लगा सेकेंड थर्ड फॉर्म बना लेंगे फॉलो 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 पीछे आना एग्री करना फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।